साहब दोस्तों अॼु जे ॿिए ॾींहं जे ॿिए इजलास में असां हिकु मुक़ररु पेश कंदासीं ऐं हुन ते ॿ असांजा दोस्त बहस पिणु कंदा। दोस्तो ध्यानु ॾींदा त अॼु जा मकाल में वेस आहिनि डॉक्टर मुरली भावनाणी। मां खे वेनती कंदुसि त हू पंहिंजो मकालो असां सभिनी जे अॻियां पेश कंदा। मकाले जो उनवान आहे अंग्रेज़नि पारां मुक़ररु कयल सिंधी लिखावट मक़बूलियत ऐं ऐतराज़। अंग्रेज़नि सन 1843 ईस्वी में सिंध फतह कई हुई। 10 सालनि बैदि 1853 ईस्वी में उन्हनि सिंधी ॿोलीअ जी लिखावट जेका गुज़िरियलु 105 सालनि खां कम पिया आणियूं तइ कई। लिखावट तइ करण लाइ उन्हनि चङो वक़्तु लॻायो ऐं कुझु कामियाबियूं ठाहे उन्हनि जे ऐं कुझु कामियाबियूं ठाहे उन्हनि जे मेंबरनि जे फ़ैसिले मूजिबि हुन वक़्तु सिंध में मुर जी लिखावटुनि मां फारसी लिखावट खे तरजीह ॾिनी। अचो त ॾिसूं त हुननि जो इहो फ़ैसिलो कहिड़ी तरह तइ कयो हुयो। अंग्रेज़नि जॾहिं सिंध फतह कई तॾहिं सिंध ते मीरनि जो राज हुओ। हिंदुस्तान जे ॿियनि इलाइक़नि में जिते मुस्लमाननि जो राज हुओ उते सरकारी कारोबार ऐं लिख पढ़ फारसी ॿोली कमु ईंदी हुई। सिंध में पिणु फारसी ॿोली सरकारी कारोबार ऐं लिख पढ़ कमाईंदी हुई। हुकूमत जे शुरूआती अरसे में अंग्रेज़नि फारसी ॿोली हलणु ॾिनो। संदनि अमलदार जेके फारसी ॿोली ॼाणंदा हुआ या ॿिया ॾेही कारकुन फारसी दरख़्वास्तुनि जो अंग्रेज़ी तर्जुमो करे आफ़ीसरनि जे फ़ैसिले लाइ रखंदा हुआ। पर बाला अमलदारनि खे इहा ॻाल्हि पसंदि न आई छाकाणि त अंग्रेज़नि जो क़ाइदो हो त जंहिं इलाइक़े में राज कंदा हुआ उन इलाइक़े जी ॿोलीअ में सरकारी कमकार हलाईंदा हुआ। अप्रैल 1848 में मुंबई प्रेसिडेंट जे गवर्नर सिंध जे कमिश्नर खे लिखी मोकिलियो त असांखे सरकारी कारोबार ऐं लिख पढ़ लाइ इलाइक़ी ॿोली सिंधीअ जो इस्तेमालु करणु घुरियो। सिंध जे कमिश्नर पंहिंजनि धीरदस्त अमलदारनि खे चयो त हू जांच करे ॿुधाई त सरकारी कारोबार ऐं आम जे तइलीम लाइ कहिड़ी ॿोली घणे में घणो कारगर थींदी। सिंधी ॿोलीअ तस्लीमीअ लाइ अमलदार ख़ुशि हुआ पर सुवालु इहो हो त सिंधी ॿोली कहिड़ी लिखावट में कमाइणु घुरिजे। हुन वक़्तु सिंधी ॿोली 16 लिखावट में लिखी वेंदी हुई पर मुख्य लिखावटूं 4 हुयूं। पहिरीं फारसी लिखावट। सिंध 1100 सालनि खां मुस्लमाननि जे हथ में हुई। 18वीं सदीअ में अरबनि जे कहाव सिंध जो समूरो साहित सारे नाश कयो वियो हो। हिन करे कुझु पथरनि ते उखड़ियल लेखकनि अथव उहो सुराग नथो मिले। जीतोड़े उन्हनि जी लिखावट ब्राह्मी खरोची या गुप्त लिखावट आहे पर को ॿियो बि हवालो न मिलियो आहे जंहिंमां इहा ॼाण पवे त आम माण्हू कहिड़ी लिखावट कम में आणींदा हुआ। हिन करे मुस्लमान हाकमनि अरबी फारसी लिखावट खे पंहिंजे कारोबार लाइ कमु आणणु शुरू कयो जंहिं करे 1848 में सिंधी ॿोली अरबी फारसीअ में लिखी वेंदी हुई। ख़ुदाबादी लिखावट। सिंध जा हिंदू वापारी गुज़िरियलु केतिरियुनि सदियुनि खां पंहिंजी लिखप ख़ुदाबादी या हटवाई लिखावट में कमु आणींदा हुआ। हिन ख़ुदाबादी लिखावट में ॿूटा अखर लिखिया वेंदा हुआ जिन में के लाकनाऊं या मात्राऊं न ॾिनियूं वञनि। नागरी लिखावट। हिंदुनि में हिंदुनि जे धर्मी किताबनि में
सिंधी नागरी लिखात लिखी वेंदी हुई पर उहे किताब तमामु घटि तइदाद में मौजूदु हुआ। गुरुमुखी लिखावट सिंध में नानक पंथ जो दौरो नानक पंथ जे धर्मी ग्रंथनि में गुरुमुखी लिखावट जो इस्तेमालु थियल आहे। सिंध में सिंधी ज़ालुनि खे स्कूलनि में न मोकिलींदा हुआ जंहिंखे हू सिंधी ॿोली गुरुमुखी लिखावट में लिखंदी हुयूं। हिन करे केतिरा शब्द गुरुमुखी लिखावट में सिंधी लिखंदा हुआ। सिंध जा ॿ अंग्रेज अमलदार हैदराबाद जो डिप्टी कलेक्टर कैप्टन जॉर्ज स्टैक ऐं आपाची खाते जो अमलदार रिचर्ड बर्टन ॿई पंहिंजे पंहिंजे शौक़ वटां सिंधी ॿोलीअ में चाह वठंदा हुआ। कैप्टन जॉर्ज स्टैक त सिंधी ॿोलीअ जो ग्रामर ऐं अंग्रेजी सिंधी डिक्शनरी छपाई हुई। ॿिन्ही सिंधीअ जे इस्तेमाल जी आज्ञा कई ऐं हुन लाइ ॿिन्ही पंहिंजा राया ॾिना त सिंधीअ लाइ कहिड़ी लिखावट कमु घुरिजे। कैप्टन स्टैक जो रायो हो त सिंधीअ लाइ ख़ुदाबादी यानी पटवान की लिखावट कमु आणणु घुरिजे। हुन लाइ हुनजो रायो हो त ख़ुदाबादी लिखावट जेका केतिरनि सदियुनि खां सिंध जा वापारी कमु पिया आणनि सिंधीअ जी ख़ासि पंहिंजी ऐं निराली लिखावट आहे। हिन ज़रिए सिंधीअ जो निरालो वजूदु कान रखी सघो। सिंधीअ मथां कंहिं धारी लिखावट ते मरण न घुरिजे। ख़ुदाबादी लिखावट में सुधारा करण जे लिहाज़ खां कैप्टन स्टैक ख़ुदाबादी लिखावट लाइ माथेरान खे करे हिकिड़ी मुकमल वर्णमाला तयारु कई जंहिंमां इहो साबित थियो त फारसी लिखावट जे भेट में ख़ुदाबादी लिखावट में तब्दीलियूं ऐं सुधारा घटि थींदा। रिचर्ड बर्टन फारसी लिखावट जे बारे में हो हुन पंहिंजी राय लाइ कारण ॿुधाईंदे चयो त सिंधी ॿुधी ॿोलीअ लाइ फारसी लिखावट कमु आणणु घुरिजे। सिंधी हिकु शाहूकार ऐं निराली ॿोली आहे ऐं इन उन ज़रिए सिंध जे उत्तर ओलह वारियुनि ॿोलियुनि जो इल्मु सवलाई सां हासिलु करे सघंदासीं छाकाणि त उन ॿोलियुनि में केतिरा ई सिंधी लफ़्ज़ शामिलु आहिनि। सिंधी ॿोलीअ में ॿियनि ॿोलियुनि जे भेट में अरबी ऐं फारसी जा लफ़्ज़ घणा आहिनि। सिंधीअ में जेके दस्तख़त ऐं कलमी नुस्ख़ा मिलिया आहिनि उहे अरबी फारसी अखरनि में लिखियल आहिनि। हिन लिखावट में सिंधी ॿोलीअ जी घुज मूजिबि अलॻि बि तयारु करे पंहिंजी सिफ़ारिशां शामिलु कयो। सिंधी जे कमिशनर ॿिन्ही अमलदारनि जी सिफ़ारिशूं पंहिंजी राय समेत मुंबई जे गवर्नर खे मोकिलियूं। हुन वरी पंहिंजो रायो ॾेई फ़ैसिले लाइ लंडन में ईस्ट इंडिया कंपनीअ जे गवर्नर खे ॼाणायो त सिंधी फारसी असल ॼाणंदे बि हुन ॿोलीअ में सिर्फ़ु मज़हबी साहित्य था पढ़नि। सिंधी ॿोलीअ में फारसी लिखावट में सिर्फ़ु इस्लाम मज़हब सां वास्तो रखंदड़ किताब ई आहिनि जेके मुलनि ऐं मौलवियुनि अरबीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो करे मज़हब फैलाइण लाइ छपाया आहिनि। लंडन जे ईस्ट इंडिया कंपनीअ डायरेक्टर उन वक़्त जे माहौल खे ध्यान में रखी फ़ैसिलो कयो त फ़िलहाल सिंधी ॿोलीअ लाइ फारसी लिखावट में सुधारा करे कमु आणणु घुरिजे। वधीक वीचार करण लाइ अंग्रेज अमलदारनि ऐं ॾेही अलमनि जी कमेटी में इहो फ़ैसिलो रखियो वञे। उहा कमेटी जेको फ़ैसिलो करे उन मूजिबि खया वञनि। ईस्ट इंडिया कंपनी जे डायरेक्टर मूजिबि सिंधीअ लाइ हेठी अलॻि बि मंज़ूरु हुई हेठि लिखियलु आहे ऐं 52 ईस्ट इंडिया कंपनी जे डायरेक्टरनि 18 December 1852 ते पंहिंजो फ़ैसिलो ॾिनो। सिंध जे कमिशनर पंहिंजे असिस्टेंट कमिशनर जे प्रधान टे अलॻि ॿिए जी सूरत मुक़र करण लाइ कामेटी ठाही। कामेटीअ July 1856 में मथे ॾिनल तख़्ती ठाहे तयारु कई जेका तइलीम खाते तरफ़ां
सभी स्कूलों के मोकली गई तो उन मुताबिक सिंधी बोली निकली। असिस्टेंट कमिश्नर साल के अंदर केतरा ही दर्शी किताब फारसी लिखावट में छपाए पधरा गया। उन्हें रिपोर्ट दिसंबर 1854 में तैयार कई जी कमिश्नर 1855 के दिसंबर में मुंबई के गवर्नर से मोकली। अड़ी तरह सिंध के कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर तरफा सिंधी बोली ला फारसी लिखावट मुकर कई हुई। हाँ दिसूँ तो उन्हें लिखावट ला सिंधियों कहरा एतराज उतारा। सिंधी बोली पर्यो सिंधी बोली ला बेन सभी बोली के भेट में वधिक अखर हैं कहने का एतराज है। उन्हें अखर के सीख लार वक्त जो पे सिंधी अखर के टिन तरीक से लफ्ज जोड़ना था पवन इन कर वक्त घुर्ज। सिंधी अखर में जेरू लबड़ू मात्राओं यानी वो न डिबूँ तो लफ्ज चंगी तरह पढ़ी न सकबा इन कर लफ्जन की हिजी लाइ जुदा करती चाहे पवानी। सभी अखर तरतीब वार ना मिसाल तो हिंदी में निरी उचाह वारा वो चारों उचाह वारा वो जिभ जो उचाह वारा उन दंदन जो उचाह वारा ए चपन जो उचाह वारा अखर जुदा जुदा कतर कतार में लिखल है। सिंधी अखर में को तरीको कन आंदोलन पासे में वध में वध टे नुकता कें कम था सिंधी में चार चार नुकता जाना था जिनमें का तरतीब बनाए के हेठां के मथा सिंधियों पहरियां पहरी तो मथियां एतराज जाहिर करे बीह लिखावटी बीह लिखावटी घुर कई तो सरकार तफा को कदम न खण करे सदा ठाकुर बनी ए ये फारसी लिखावट जेका असांखे मरी वई असांजो गहनो गले जो गगो थी पए। हाणे अचो त ॾिसूं हाणोकी लिखावट जी मक़बूलियत केतिरी क़दुरु आहे। 1947 ताईं हिन लिखावट करे असां साहित्य तमामु खणो आहे। विरहाङे खां पोइ त साहित्य में चङी वाधा आई आहे। अलबत असांजूं चार पीढ़ियूं इन लिखावट खां वांझिजी वियूं आहिनि। ग़लती ऐं मजबूरी असांजी आहे छाकाणि त विरहाङे बैदि रोज़ी रोटीअ जी जदोजहद में असां पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधी ॿोली सां वाबस्तु करण में कोताही कई। उन जो नतीजो इहो थियो आहे त असांजी सिंधी ॿोली आहिस्ते आहिस्ते ॿोॾा ॿोलियुनि जे सिर्फ़ में बीहण त पई वञे। सिंधी ॿोलीअ खे ज़िंदह रखण लाइ कोशिशि करणु बेहद लाज़मी आहिनि ऐं उन लाइ अहिड़नि सेमिनारनि में हिसो वठंदड़ आलमनि जी जवाबदारी सभिनी खां वधीक आहे। शुक्रिया मोहनी साहिबु तव्हां मकालो पेश कयो आहे ऐं पहिरियों बहस जी शुरूआत कंदा श्री मनोहर निलाणी साहिबु। श्रीमान सदर साहिबु ऐं मंच ते वेठल दोस्त ऐं साम्हूं वेठल दोस्त मां हिन मकाले बाबति थोरे में रुगो चवंदुसि त मकालो जेको आहे सो तमामु सुहिणे नमूने पेश कयो वियो आहे ऐं हिन में के बि कोताहियूं नज़र नथियूं अचनि। हीउ मकालो जेको आहे सो ख़ुदि भाषा विज्ञानीअ जो लिखियलु आहे। उन्हनि जे अॻियां मां त हिकु रवादी सिंधी ॼाणंदड़ आहियां उन करे मां हिननि जे अॻियां कुझु एतिरो चई नथो सघां। बाक़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका आहे सा मकालो जेको आहे सो डॉक्टर मुरली भावनाणी साहिब खे थोरो वधीक वाज़े करणु खपंदो हुओ जीअं हिन में के अमलदार आहिनि अंग्रेज़ अमलदार उन्हनि जा
नाला न ॿुधाया वया कहिड़ा अमलदार हुआ उन्हनि कहिड़ो कमु कयो ऐं तंहिंखां सवाइ जेके जिन ख़ासि कमु कयो त उहे ख़ासि कमु कंदड़ उन्हनि जा बि नाला न ॿुधाया विया ऐं कहिड़ी कामेडी ठही जंहिंमें चारि मुस्लमान आलम हुआ ऐं चारि हिंदू आलम हुआ उहे कामेडी जे मेंबरनि जा नाला ॿुधाइणु खपंदा त ॿुधंदड़नि खे थोरो वधीक नॉलेज मिले हा अहिड़े नमूने जेके ख़ासि साहित्य में रुचि रखी ऐं सिंधी लिखावट खे अमल में आणे ऐं उन्हनि जे लाइ कुझु कमु कयो त कहिड़े नमूने उन्हनि जो वाधारो थियो उहे नाला ॿुधाइणु खपंदा हुआ त असां सरपंच उन्हनि अंग्रेज़नि जा शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिंजे करे हीअ सिंधी लिपि जेका असां अमल में आई हिन खां अॻु सिंधी लिपीअ जो को धणी साईं कोन हो हिननि अंग्रेज़नि ई सिंधी लिपीअ खे धणी साईं ॾियारियो तंहिं लाइ मां त चवां थो उन्हनि जो असांजे तह दिलि शुक्रगुज़ार थियणु खपे छाकाणि त उन्हनि ई सिंधी लिपीअ खे तस्लीम कराए अॻिते वधायो महिरबानी महिरबानी मनोहर साहिबु हाणे पैस खे अॻिते वधाईंदे मां गुज़ारिश कंदुसि श्रीमती शोभा लालचंदाणी सां लालचंदाणी खे त हू पैस खे अॻिते वधाईंदे महिरबानी सिंधी अकेडमी दिल्ली जी शुक्रगुज़ार आहियां जो हुते मूंखे डिस्कशन करण लाइ मौक़ो ॾिनो आहे महिरबानी ऐं ॿियनि सभिनी जी डॉक्टर मुरली भावनाणी जो पेपर अंग्रेज़नि पारां मुक़ररु कयल सिंधी लिखावट मक़बूलियत ऐं एतिराज़ मुंहिंजे साम्हूं पढ़ियो हुयो डॉक्टर भावनाणी ॿोलीअ जो ॼाणो आहे तंहिं करे तारीख़ में वञी सिंधी लिखावट लिपीअ बाबति हक़ीक़तूं गॾु करे नई शहरी जी ॼाण में इज़ाफ़ो आंदो आहे हीउ हिकु मालूमाती ते मुख़्तसर पेपर आहे मकान लॻात खे हुन जाखोड़ लाइ दाद ॾिनी थी वञे हीउ अहिवाल मुंहिंजो हिकु ॿी शाइ थियल ख़बर ॾांहुं ध्यानु छिकाए थो 13 जुलाई 2018 सिंधी ॿोलीअ जे अल्फ़ाबेट जे मंज़ूरीअ जी 150 सालाना ॾींहं जे मौक़े ते मौजूदु सिंधीअ जी आयोजा अल्फ़ाबेट जो ॾींहुं जे उनवान सां सिंध में हिकु सेमिनार आयोजित कयो वियो हो उते इहो ई सुवालु उथियो तैलीमदामनि चयो त सिंधी अल्फ़ाबेट में अञा ग़लतियूं मौजूदु आहिनि हिनखे दुरुस्त करण जुगाए उन्हनि जो चवणु हो त अल्फ़ाबेट ठाहींदड़ भाषा विज्ञान जा माहिर न हुआ उन्हनि जो रायो हो त सिंधी ॿोलीअ में केतिरा ई फारसी अखर अहिड़ा आहिनि जेके असांजे रोज़मर जे हयाती में कमु अचनि था इहे हिक खां वधीक क़िस्मनि में लिखिया वञनि था जीअं त स ऐं ज़ आहे ॿारनि खे मोंझारो थो लॻे ॿार पुछंदा आहिनि त कहिड़ी स ऐं ज़ इस्तेमालु कयां जीअं त ॿोली ऐं सकाफ़त असांजी सुञाणप आहे असां ॿोली ऐं सकाफ़त खां पढ़े थींदा था वञूं अॼु ॿारनि खे दुरुस्त ॿोली ॻाल्हाइणु लिखणु नथी अचे ऐं ॿार माउ जे ॿोलीअ खां पढ़े थींदो पियो वञे सिंधी ॿोली जी घटिजंदड़ वाइपे खे ध्यान में रखी भाषा विज्ञाननि खे सिंधी लिखावट बाबति गंभीरता सां सोचणु खपे ॿोली मुख्य आहे लिखावट पोइ जी हीअ ॻाल्हि आहे त ज़िंदह क़ौम रहंदी जंहिंजी ज़बान ज़िंदह पंहिंजी ज़बान ज़िंदह सारो जहान ज़िंदह महिरबानी सदर जी जेका हिकिड़ी ज़िमेदारी मूं वटि मूंखे ॾिनी आहे मां उनखे पूरे तरीक़े सां निभाइण जी कोशिशि कंदुसि पेपर जो जेसिताईं या मकाले जो जेसिताईं सुवालु आहे त डॉक्टर भावनाणी साहिबनि जी मां तारीफ़ इन ॻाल्हि लाइ कंदुसि त हुननि विस्तार सां पहिरियों खे चारि जेके लिपियूं उन टाइम ते हुयूं उन्हनि जो सुठो हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे उहा लिपि जी गुरमुखी छो आई उहो ॿुधाए हटवाणकी असांजा वापारी उपयोग में आणंदा हुआ ऐं उनखां पोइ जेका नागरी या देवनागरी जेके चए थो उहे असांजे धार्मिक किताबनि जी लिपि हुई बिल्कुलु सही ऐं जेका अरबी लिपि चवंदासीं उहा उते इल्म जी
या अधु बजे लिपी हुई इं अगर मां चवां त शायद गलत न थींदो इहो जेको हुननि जो मकाले जो हिसो हो त तमामु ख़ूबसूरतीअ सां आलमाणे ढंग सां लिखियलु हो पर हाणे उन खां पोइ जॾहिं अॻिते अचूं था उन्हनि इहा बि ॾाढो सुठे तरीक़े सां ॻाल्हि ॿुधाई आहे त बॉम्बे जे गवर्नर 1848 में सिंध जे कमिश्नर खे लिखियो त उतां जी मकानी ॿोलीअ जो मकानी ॿोली ख़तमु आणी आंदी वञे हिन में ऑफिशियल कम में उन खां पोइ कीअं कमेटी आई कमेटीअ जी कमेटी बरपा थी उन्हनि बहस कया ऐं फाइनली सिंधी ॿोली तस्लीम कई वई इहो तमामु सुठे विस्तार सां इंफॉर्मेटिव पार्ट आहे तमामु सुठो आहे उनखां पोइ जॾहिं अॻिते हलूं त सिंधी ॿोलीअ जी मक़बूलियत या जाइज़ी जी न एतिराज़नि खां पहिरियां हुन जा जेके मेरिट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हाणे इते मूंखे वधीक उमेद हुई इन ते असांखे विस्तार सां सिंधी ॿोलीअ जा मेरिट्स कहिड़ा मां सॉरी लिपीअ जा ॿोली न सॉरी लिपीअ जा मेरिट्स कहिड़ा ऐं एतिराज़ यानी डीमेरिट्स कहिड़ा इते इहा जेका पेपर जी कोर आइडिया हुई इहा कमज़ोर रहिजी वई छो जो करे सॼो पेपर इन ते ई बीठलु हो बाक़ी हुनजी जेका बुनियाद जेका तव्हां हिस्टोरिकल ॻाल्हि ॿुधाई उहो बिल्कुलु ठीकु आहे हाणे सिंधी लिपी जी मेरिट्स कहिड़ी पहिरियां त मां तव्हांखे ॿुधायां त काई बि लिपी कंहिं भाषा जी लिपी हूंदी आहे यानी ॿोलीअ जी लिपी हूंदी आहे उन सां धर्म जो नातो बिल्कुलु न हूंदो आहे इहा ॻाल्हि असांखे बिल्कुलु क्लियर करणु खपे ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि इहा थी वञे असां जज़्बाती थी था वञूं त भई हीअ लिपी असांजी आहे मतिलबु असांजे धर्म सां वास्तो आहे हुन लिपीअ जो हुन धर्म सां वास्तो आहे लिपीअ जो ऐं धर्म जो दुनिया में किथे बि वास्तो थींदो ई कोन्हे पहिरीं ॻाल्हि तव्हां ॾिसो यूरोप में सभु क्रिश्चन आहिनि फ्रांसीसिनि जी फ्रांस वारनि जी पंहिंजी लिपी आहे जर्मन वारनि जी पंहिंजी आहे इटालियन जी पंहिंजी आहे नॉर्वे वारनि जी पंहिंजी आहे लिपीअ जो ॿोलीअ सां वास्तो थींदो आहे न कि मज़हब सां त हिकु ॻाल्हि असां इहा सम्झो ॿी ॻाल्हि जॾहिं अंग्रेज़नि सिंधी लिपीअ बरपा कई या हुनखे ऑफिशियल दर्जो ॾिनो त कंहिं बि लिपीअ खे ऑफिशियल दर्जो ॾियण में सिर्फ़ु कमेटीअ जो रोल न थींदो आहे कमेटी त हिकिड़ो बहानो आहे उहा हिकिड़ी कमेटी बरपा कई वई ऐं कमेटीअ हुननि ते बहस कयो कंहिं बि लिपी कंहिं भाषा जी लिपी छो थींदी आहे मां तव्हांखे चार कारण ॿुधायां ऐं तव्हां सोचो की कारण सिर्फ़ु सिंधी लिपीअ सां न का बि लिपी अॼु कंहिं भाषा जी लिपी छो आहे उन जे चार कारण थींदा आहिनि नंबर वन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ दैट स्क्रिप्ट विथ द लैंग्वेज काई बि लिपी उन लैंग्वेज सां धीरे 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 ग्रो थींदी आहे इट इज़ ए हिस्टोरिकल इवोल्यूशन उहो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जेका हुई सिंधी ॿोलीअ जी उहा उन लिपीअ सां हुई भली उहा स्टैंडर्डाइज कोन हुई स्टैंडर्डाइज भली न हुई पर हाणे उहा 712 खां चालू थी या 1028 खां चालू थी इहो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हूंदे बि इरेलेवेंट आहे उहा इरेलेवेंट आहे की किथां चालू थी पर धीरे धीरे उहा लिपी जंहिंखे पहिरियां सिंधी हाणे सिंधी लिपी था चऊं उहा उन ॿोलीअ सां वाबिस्ता हुई हाणे ॿोलीअ सां हिस्टोरिकली वाबिस्ता हुई इन जो मतिलबु छा आहे इन जो मतिलबु इहो आहे की जेके फोनिम्स आहिनि कंहिं ॿोलीअ जा जेके साउंड्स आहिनि उहे साउंड्स जेतिरो जेतिरे क़दुरु थी सघे नेचुरली उन लिपीअ में रिप्रेज़ेंट कया वञनि यानी द कोरिलेशन बिटवीन सिग्नीफायर एंड सिग्नीफाइड शुड बी एज फार एज पॉसिबल नेचुरल कंहिं बि ॿोलीअ में सिग्नीफायर्स एंड सिग्नीफाइड जो जेको रिलेशन आहे उहो नेचुरल कोन्हे हाणे अंग्रेज़ीअ में बेस्ट एग्ज़ाम्पल मां ॿुधायां श हाणे श इन साउंड खे 14 तरीक़े सां अलॻि अलॻि स्पेलिंग्स में लिखियो थो वञे फैशन सस्पीशन शुगर इशू इहे 14 तरीक़ा आहिनि हाणे हिकिड़ी साउंड खे 14 तरीक़े सां लिखियो थो वञे इन मतिलबु रोमन जेका अल्फाबेट आहे बिल्कुलु अन नेचुरल आहे इलॉजिकल थी वई मतिलबु त तंहिं करे इहो जेको ऑब्जेक्शन आहे की असांजे सिंधी ॿोलीअ में स ज ग ग ख इहे ॿिनि ॿिनि या टिनि टिनि तरीक़नि सां लिखिया पिया वञूं त इहो आहे कोन इहो नेचुरल इवोल्यूशन जो पार्ट आहे सभिनी लिपियुनि में तव्हांखे इहे ऑब्जेक्शन मिलंदा दुनिया जी काई हिकिड़ी लिपी मूंखे ॿुधायो जिते इहे ऑब्जेक्शन्स कोन्हनि त तंहिंजे करे इहे ऑब्जेक्शन्स कोन्हनि इहो त पहिरियों जेको कारण हो त हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जेको असांजो ॿोलीअ जो थियो आहे उहो अरबीअ सां हाणे इहो न सोचो त उहो 712 में आई आहे 1028 में छो त इन खां पहिरियां
लिपीअ जो वाइपो ई ॾाढो घटि हो. अॼु बि भारत में 72% माण्हू इलिटरेट आहिनि, यानी 28% माण्हुनि खे लिपीअ सां को बि ॾियणो वठणो कोन्हे. त इहो सोचो त जॾहिं ईसा सन शुरू थियो हूंदो या सत पंजी सदी छहीं सदीअ में, छा 1% माण्हू बि लिपि ॼाणंदा हूंदा? छा न ॼाणंदा हूंदा? यानी 99% माण्हुनि खे सिर्फ़ु ॿोलीअ सां वास्तो, लिपीअ सां सिर्फ़ु उन्हनि खे वास्तो जेके कुझु बिल्कुलु थोरा माण्हू लिपीअ जो वास्तो रखंदा, जेके कंहिं किताब लिखंदा हुआ या जेके पंडित हुआ या मुला हुआ उन्हनि खे वास्तो. त जे 99% माण्हुनि खे लिपीअ सां वास्तो ई कोन हो, तंहिंजे करे का हिकिड़ी ख़ासि लिपि असां वटि डेवलप न थी हुई. त नंबर ॿियो, कंहिं बि लिपि जेॾीमहिल उन ॿोलीअ लाइ एक्सेप्ट कई वेंदी आहे त उनजो जॉग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन केतिरो आहे, इहो ख़्याल में असांखे रखणु खपे. हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, हिंदीअ खे भारत हिंदी जेका देवनागरी आहे इनखे सॼे भारत में एक्सेप्ट करण जी कोशिशि छो कई वई? त छो त उनजो जॉग्राफिकल जेको हेमिस पंहिंजो ज्यूरिसडिक्शन हो उहो मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल खां वधीक हो. तंहिंजे करे इहो ख़्यालु आयो त हीअ जेका आहे देवनागरी लिपि एक्सेप्ट कई वञे ॿियनि भाषाउनि जे लाइ बि. इहा बि 1950s में 1960s में हिकिड़ो आंदोलन हलियो हो त सभु ॿोलियूं असां देवनागिरीअ में लिखूं. तव्हांखे इहा ॼाण हुजे की विनोबा भावे इन ख़्याल जो हो त अंग्रेज़ी बि असां देवनागिरीअ में लिखूं, पर उहा ॻाल्हि थी कोन सघी. त तंहिंजे करे जॉग्राफिकल स्पीयर असां सिंध में ॾिसूं त हटवाणी केतिरे जॉग्राफिकल स्पीयर में लिखी वेंदी हुई, गुरमुखी केतिरे जॉग्राफिकल स्पीयर में लिखी वेंदी हुई, नागरी या देवनागरी केतिरे जॉग्राफिकल स्पीयर में लिखी वेंदी हुई, ऐं जेके अरबी था चऊं, मां अरबी पसंदि न कंदो आहियां, सिंधी लिपि आहे, सिंधी लिपि उहा केतिरे जॉग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में लिखी वेंदी हुई. त तव्हांखे ईअं लॻंदो त जेका हीअ ॿोली हुई सिंधी या अरबी, इहा इन जो जेको क्षेत्र हो, जॉग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन हो, उहो बाक़ी टिनि लिपियुनि खां वधीक हो. त ॿियो कारण इहो हो. टियों कारण, काई बि लिपि जॾहिं कंहिं ॿोलीअ जी मीडियम ठहंदी आहे त उन लाइ अदबी रवायत, लिटररी ट्रेडिशन बि ॾिसणु खपे. त असां हाणे इहो ख़्यालु कयूं त जेॾीमहिल अंग्रेज़नि हिन लिपीअ जो एक्सेप्ट कयो त इन चार लिपियूं जेके साईं जन ॿुधायूं, इन चइनि लिपियुनि में असां अदबी रिवायत ॾिसूं त कहिड़ी लिपि वटि हुई, शाह साईं, सचल साईं कहिड़ी लिपि में लिखियो, या उन कहिड़ी लिपि, या ॿिया बि जेके जेके ॿिया बि सुफ़ी लेखक हुआ, शाइर, उन्हनि कहिड़ी लिपि में लिखियो? हटवाणीअ में लिखियो, छा शाह देवनागिरी में लिखियो? पहिरें जी ॻाल्हि नथो चवां, मोस्ट ऑफ देम छा में लिखियो? कहिड़ी बि लिपि में, सिंधी लिपि में लिखियो. त जॾहिं जंहिं लिपि वटि अदबी रवायत हुजे त छा उन लिपिअ खे उन ॿोलीअ जो ॿोलीअ जी लिपि न ठहणु खपे छा? त देवनागिरीअ में केतिरो असांजो लिटर, मां 1854 ताईं अगरि असां सर्वे कयो त देवनागिरीअ में केतिरो लिटरेचर प्रोड्यूस कयो असां, या हटवाणकी में केतिरो कयो, या गुरुमुखी में केतिरो कयो, लिटरेचर किथे प्रोड्यूस थियो? उहो हिन लिपि में थियो. त टियों जेको कारण थींदो आहे कंहिं बि लिपिअ खे, सॼी दुनिया जी ॻाल्हि थो कयां, तव्हां किथां बि एग्ज़ाम्पल खणी ॾिसो, कंहिं बि लिपिअ खे, इवन अंग्रेज़ीअ में चार लिपियूं हूंदियूं त सिर्फ़ु ईस्ट मिडलैंड वारी लिपि छो आई पोइ हुते अंग्रेज़ीअ में? छो जो करे हुन में लिटरेचर प्रोड्यूस थियो, हुननि उनमें चौसर लिखियो जवाब. त उन करे जिते अदब जी तकलीफ़ थींदी आहे, जिते लिटरेचर क्रिएट थींदो आहे, त उहा लिपि पंहिंजो पाण ई डोमिनेंट थींदी वेंदी आहे. इन में कोई अंग्रेज़ कई या मुस्लमान कई या हिंदू कई, इहो सवाल ई कोन्हे. एक्चुअली इट इज़ अ नेचुरल लिटररी डेवलपमेंट आहे उन लिपीअ जो. चोथीं ॻाल्हि आहे, टीं ॻाल्हि आहे, चोथीं अंग्रेज़ डेमोक्रेटिक हुआ, तंहिं करे त असां हुन कमेटी ठाही, उन्हनि इहो फ़ैसिलो कोन कयो की हीअ लिपि तव्हां खणी छॾियो, हुन कमेटी ठाही. कमेटीअ में हाणे असांखे हुन कमेटीअ जा अगरि मिनट्स मिली सघनि किथां, सभु तव्हां आले में वठा, उन कमेटीअ में जेके बहस थिया हूंदा, जेके डिस्कशन्स थिया हूंदा, उन मिनट्स हूंदा नेचुरली, त उन मिनट्स में कहिड़ा आर्ग्यूमेंट ॾिना विया हुआ हिन लिपीअ जे फेवर में, असां उन्हनि खे अगरि सम्झण जी कोशिशि कयूं त शायदि असांखे वधीक सम्झ में ईंदो त हीअ लिपि सिंधी ॿोलीअ लाइ छो तस्लीम कई वई. त इहे चार कारण मुंहिंजे हिसाब सां, मुंहिंजी पंहिंजे सम्झ जे हिसाब सां इम्पोर्टेंट आहिनि, ऐं तॾहिं उहा लिपि आई. ऐं ॿी ॻाल्हि इहा, हिकिड़ो कमाल जी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे त शाह साईं खे असां अगरि पंहिंजो हिकिड़ो मेन महत्वपूर्ण शायर या अदब जे लिहाज़ खां महत्वपूर्ण पड़ाव मञूं सिंधी अदब जे ख़्याल खां, त उन खां पोइ सॼो लिटरेचर लॻभॻि उन सिंधी ॿोलीअ में लिखियो वियो. त सिर्फ़ु असां विरहाङे खां पोइ सिंध छॾे हिते अची वियासीं त इहो कोई कारण कोन्हे त असां लिपि बदिले छॾियूं. मूंखे ॿुधायो, दुनिया में कहिड़ी अहिड़ी क़ौम आहे जंहिं पंहिंजी लिपि पहिरियां हिकिड़ी हुजे पोइ बदिले छॾी हुजे?
मां मुझे ख्याल में देड़ी काई भाषा काई भी दुनिया में को मो करे पहले लिपि बदले छड़े वो लिपि हले पई साव साल में बिन चेन पंजन साव साल का हले पई तो सडनली छो तो विराम थी यो तो असा पानी लिपि बदले छड़ियो ये भी कह को मतलब मुझे साफ न कहो तो ये छो तण कबे और सिंधी लिपि सिंधी बोली सा वाबिस्ता है न कह मसहब सा तो कर मसहब जो गाली सा बोली ए लिपि में अगर न आणियो तो मां समझा तो बेहतर थिंदो मेहरबानी टाइम तो लगे सीख में अंग्रेजी सीख में टाइम लगे जापानी चीनी चीनी अगर लिपि सीखना ना तो एडी मुश्किल मुश्किल है चीनी तो अस मुश्किल है कई लिपि में बावनजा अगर अखर तेज कर मुश्किल है नो समझा तो डीमेरिट तो कें लिपि यो के लिपि रो डीमेरिट कोन तो थी सके अस नेचुरल जेके साउंड्स आइन अस जाने जेके सा गलन पिया वो रिप्रेजेंट अस ने सिंधी लिपि में सुठे तरीके सा थन पिया कलब मा यगाल बुदाई त जेरो ता देवनागरी में की चंदो अजे ता मार सो की पा गले उते वो तो मा साइन बस क्या मैं दाई ने पुठा करू हां तो वो मां समझा तो फाइव लिपि में उन्हें जो नेचुरल साउंड्स बोलिए जैसे रिप्रेजेंट कौन था देना तेस ताई वह लिपि उन्हें बोलिए लाया ठीक कौन है तो सुटे खराब ना सोचो देवनागरी में छो जो करे असाने जो साउंड्स हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट कौन पैदा थे तहजे करे वह लिपि सा अपनाए ना वो अपनाने जो कोई खास कारण कौन है ता चंदो भाई नंडा बार वो लिपि कोन दा संजम तने करे देवनागरी समझे तो भाई लिपि ऐसा पढ़ाण बंद कई ये असा जो दुआ की बारन जो दुआ असा ये की सनो को बारन लिपि होना ता समझे ता देवनागरी ना पढ़ायो बारन के हाण जेके असा जा पार अमेरिका में या यूरोप में ता हुआ देवनागरी कोन दा समझे वो तो रोमन दा गल है वो ता रोमन में समझा चलो असा रोमन में सिंधी लिखण चालू कयो ते लिपि असा बदली ना से हर 50 साल का पोसा नई लिपि में लिखमा से सिंधी के जेका असा जी हले पई एत रिवायत है 300 साल जो लिटरेचर जे में आए उने ऑल ऑफ अ सडन असा लिपि बदले छियो असा जको 12 14 ता देवनागरी कोन थी असा के असा त अमेरिका में सेटल किया माने असा रोमन में लिखो पो सिंधी को जापान में लेनो सिंधी पोचो मा जापानीज में नहीं लिखा मा सिंधी तो लिपि कदी बदल जंदी आ जा ता जो ज्योग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट थेन सा का लिपि बदल जंदी आ जा मोके तो समझ में कोन थी छिया गाल तो तने करे सा ख्याल करे लिपि बदलने का कोई स्ट्रांग रीजन ही सा कोने पे लिपि बदल ले छजे मेहरबानी